एंड्रॉइड टू पीसी हाई क्वालिटी में स्क्रीन मिररिंग करने के लिए आज से करीब 4-5 महीने पहले मैंने ये यूजर इंटरफेस बनाया था आप लोगों के लिए, जिसको यूज करके आप लोग STRCPY के मदद से एंड्रॉइड टू पीसी हाई क्वालिटी में स्क्रीन मिररिंग कर सकते थे विद ऑडियो, विदाउट डिले, विदाउट लैग, विदाउट वाटरमार्क, लाइफ टाइम फ्री। ठीक है, अब मैंने सोचा क्यों ना इस यूजर इंटरफेस को हम लोग थोड़ा अपडेट करें, अपग्रेड करें, इसमें और भी फीचर्स ऐड करें जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, और अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमर हो तो आपके लाइफ को और ज़्यादा आसान बना सकते हो। तो मैंने इस यूज़र इंटरफेस को, इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया, और अब ये सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और अब आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, इस यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके आप लोग यहाँ पे एंड्रॉइड टू पीसी स्क्रीन मिररिंग तो कर ही सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग या यूएसबी पे क्लिक करो तो आप यूएसबी केबल थ्रू अपना एंड्रॉइड टू पीसी स्क्रीन मिररिंग करोगे विद इंटरनल ऑडियो। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो इनेबल वायरलेस मिररिंग करके आप लोग वायरलेस मिररिंग भी कर सकते हो, विदाउट वायर आप लोग एंड्रॉइड टू पीसी स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो विद ऑडियो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने और एक नया फीचर ऐड कर दिया जो कि STRCPY में ये फीचर ऐड हो चुका है, तो हमारे यूजर इंटरफेस में भी मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे अब आप लोग इस फीचर को यूज करके, ये जो यहाँ पे मिरर योर फोन्स कैमरा वाला फीचर है, इस फीचर को यूज करके आप लोग अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन के कैमरा को डायरेक्ट मिरर कर सकते हो अपने पीसी पे, और उसको आप लोग यूज कर सकते हो एज अ फेस कैम अपने OBS स्टूडियो में अपने लाइव स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पे ये बेस्ट फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है, आपको देख के मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, अल्टरनेटिवली अभी तक हमारे पास ऑप्शन था, अगर हमको अपने एंड्रॉइड फोन के कैमरा को एज अ फेस कैम अगर यूज़ करना था, अब तक तो हम लोग ड्रॉइड कैम वगैरह यूज़ करते थे जो भी ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमको मिलते हैं, बट वहाँ पे भी कैमरे की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होकर मिलती थी, तो उतनी हाई क्वालिटी की हमको कैमरा का फीड नहीं मिलता था। बट इसमें आपको एकदम आपका जो भी आपके फ़ोन का जो भी एकदम कैमरा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी की आपको यहाँ पे कैमरे का फीड मिल जाएगा, और उसको आप एज अ फेस कैम यूज़ कर सकते हो एकदम हाई क्वालिटी में। और यहाँ पे एक और फीचर इस चीज़ में है जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो है कि आप लोग फाइल ट्रांसफर भी इसमें कर सकते हो। बस कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना है, ऐसे उठा के आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे अपने मिररिंग वाले विंडो में, तो आपका जो फाइल है वो आपके पीसी से आपके मोबाइल में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है इस चीज़ में, इस सॉफ्टवेयर में ये फीचर है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चाहे आप फ़ोन से कॉपी करोगे तो आप यहाँ पे पीसी में पेस्ट कर सकते हो, पीसी से कॉपी करोगे तो फोन में पेस्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस नए सॉफ्टवेयर को, पहले तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो इस नए सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, और इसका क्या क्या फीचर्स है, उसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एकदम आराम से बताता हूँ। और हाँ गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो पर बहुत भर भर के पूछा था, कि भाई जब भी हम लोग BGMI या फिर फ्री फायर जैसे गेम की इससे मिररिंग करते हैं और अपने इन गेम में माइक ऑन करते हैं, तो हमारा गेम साउंड हमारे पीसी तक नहीं जाता है, और हमारा इन गेम या तो माइक ही ऑन नहीं होता है, इन गेम माइक ऑन करने पे आवाज नहीं जाती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको, पहले तो मैं इस वीडियो को क्लोज कर देता हूं, ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट के पेज पे, इसकी लिंक डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां पे वो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ये पेज पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद में यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग कुछ इस प्रकार से, तो यहां पे डाउनलोड नाउ का बटन आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में डोनेट नाउ का भी बटन मिल जाएगा। तो ये भी एक नया फीचर मैंने ऐड किया, अगर आप वैसे यार बनाने को बहुत मेहनत लगती है, ये बनाने को मुझे ऑलरेडी 7-8 दिन लगे ये करने के लिए, ये पूरा यूज़र इंटरफेस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो अगर आपको पसंद आता है, अगर आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होता है, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर, इसका कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो अगर आपको इच्छा हो तो आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो गरीब को, बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चाहे जितना आपको डोनेट करना है उतना आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, नया टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये कहाँ सेव करना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आज, तो मैं इसको वापस से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत छोटी सी फाइल है, सिर्फ 18 MB की फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे हमारा डाउनलोड्स फोल्डर, यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को दिखाऊं, वैसे तो नीचे दिख रहा था बट फिर भी दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ 18 MB की फाइल है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं। ये zip फाइल आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे ये zip फाइल है, इसको आपको राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, कहीं पे भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस zip फाइल को। अब यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का फोल्डर जो है वो आपको मिल जाएगा जब आप इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे। इस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अब इन फाइल्स में से आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे strcpygui.exposure.exe यहाँ पे एक .exe फाइल आपको दिखाई देगी। इस exe फाइल पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जब आप पहली बार इस चीज को यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो वहां पे आपको हो सकता है पॉपअप आए कि विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी ऐसा करके,
तो वहां पे ये पॉपअप इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहां पे पब्लिशर का नाम जो है वो अननोन पब्लिशर है, इसलिए वहां पे ये पॉपअप को आपको बताता है। तो यहाँ पे वायरस वगैरह कुछ नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो इसको यूज मत करो, ठीक है, सिंपल सा है आंसर, ठीक है। तो उसको जैसे आप रन एनी वे पे करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो ओपन हो चुकी है, इसको हम यहाँ पे क्लोज या मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। अब ये विंडो ओपन होने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको अपना फोन लेना है और यूएसबी केबल थ्रू आपके फोन को कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं यूएसबी केबल से अपने फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ और ये यूएसबी केबल मेरे पीसी में, मेरे सीपीयू में कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। तो जैसे आपने अपना यूएसबी केबल कनेक्ट कर लिया, फाइल ट्रांसफर वाले को अलाउ कर दिया, उसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके फोन में यूएसबी डीबगिंग इनेबल है। अब मैं वैसे तो ये कंसीडर करके चल रहा था कि आपको पता ही होगा कि आपके फोन में यूएसबी डीबगिंग इनेबल चाहिए तभी आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो, तो उतना तो पता ही होगा, ठीक है। वो दवान वाला सीन मत बोलना कि दवान में यूएसबी डीबगिंग इनेबल नहीं करना पड़ता है, तो यार वो अलग चीज है भाई, जाओ वहाँ पे पैसा दो, विदाउट यूएसबी डीबगिंग इनेबल करो, जाओ मिररिंग करो, ठीक है। तो आपको यूएसबी डीबगिंग इनेबल रहना चाहिए आपके फोन में, अगर नहीं है तो इनेबल कर लो। कैसे करते हैं अपने YouTube पे ट्यूटोरियल देख लो, ठीक है। USB डीबगिंग इनेबल कर लो, उसके बाद यहाँ पे हमने डेटा केबल कनेक्ट कर लिया, फाइल ट्रांसफर को अलाउ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो USB केबल से मैंने अपने फोन को कनेक्ट कर लिया अपने PC से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस यूजर इंटरफेस में आप लोग अपना बिटरेट सिलेक्ट कर सकते हो, जितना हाई बिटरेट आप रखोगे उतना हाई क्वालिटी की स्क्रीन मिररिंग होगी। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये MBPS है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 अगर 8 MP सिलेक्ट करते हो तो 8 MBPS का बिटरेट है। तो आप जितना हाई बिटरेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उतनी ही ज्यादा हैवी डेटा आपके फोन से आपके PC तक जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका वाईफाई राउटर जो है वो कमजोर है और आप वायरलेस मिररिंग करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप एकदम हाई बिटरेट मत रखना, वरना डिले देखने मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ वाईफाई राउटर की स्पीड की, इंटरनेट स्पीड की नहीं, कि भाई मेरा इंटरनेट 100 MBPS का स्पीड है मेरा इंटरनेट का, क्या मुझे भी डिले देखने मिलेगा? भैया मैं इंटरनेट स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं वाईफाई राउटर की स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कमजोर राउटर है तो कृपया यहाँ पे बिटरेट कम रखे वायरलेस मिररिंग के लिए, बट अगर आप यूएसबी केबल थ्रू मिररिंग कर रहे हो तो रखो भाई, दबा के रखो। फिर यहाँ पे आप हाई बिटरेट रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो अपने मिररिंग की, अगर आप चाहते हो रोटेट करके अपना मिररिंग ऑन करने का तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग वाया यूएसबी जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा तो डायरेक्ट स्क्रीन मिररिंग शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन मिररिंग शुरू हो गया यहाँ पे रियल टाइम में। बट आपको एक पॉपअप आएगा स्क्रीन पे आपके मोबाइल फोन में, आप जब पहली बार करोगे तो वहां पे आपको उसको अलाउ करना है, वहां पे टिक करके उसको अलाउ कर देना है हरदम के लिए। फिर वो जिंदगी में आपको वापस से वो पॉपअप नहीं आएगा, तो अगली बार से नहीं आएगा, एक ही बार आएगा स्टार्टिंग में पहली बार, ठीक है। तो जैसे आप कर लोगे उसके बाद आपका ये पॉपअप करने के बाद में आपको एरर आएगा, आपकी मिररिंग शुरू नहीं होगी, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अलाउ करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है, फिर से यहाँ पे स्टार्ट मिररिंग वाया यूएसबी पे क्लिक करना है, आपका मिररिंग जो है वो शुरू हो जाएगा और इस बार पॉपअप नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वायरलेस मिररिंग। क्या देखो, वायरलेस मिररिंग करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आप अपना फोन को यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लो अपने पीसी से। उनको यूएसबी केबल लगा दिया, ये यूएसबी केबल हमारे पीसी से कनेक्टेड है, ये काम कर लो। उसके बाद यहाँ पे शो कनेक्टेड डिवाइसेस पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फोन का सीरियल नंबर और यहाँ पे आपके फोन की आईपी, लोकल आईपी वो दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोन और मेरा पीसी दोनों सेम वाईफाई राउटर पे कनेक्टेड है, हमारा पीसी लैन केबल से कनेक्टेड है, फोन मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो यहाँ पे आईपी दिखाई दे रहा है। तो आपका जो फोन और पीसी है वो सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आईपी पे, आपको जो भी आईपी दिखाई देगी उस पर आप जैसे क्लिक करोगे वो आईपी यहाँ पे फिल हो जाएगी। जैसे वो आईपी फिल हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल वायरलेस मिररिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो वायरलेस मिररिंग इज नॉट इनेबल लिखा रहा है। यहाँ पे इनेबल वायरलेस मिररिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वायरलेस मिररिंग इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे लिख के आ गया वायरलेस मिररिंग इनेबल्ड, ये लिख के आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग अपना यूएसबी केबल जो है अपने फोन से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने निकाल दिया अपना यूएसबी केबल, ठीक है, निकाल दिया। अब यहाँ पे बिटरेट आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी बिटरेट में आपको मिररिंग करना है वो बिटरेट सिलेक्ट कर लो। ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है तो कर लो, डिफॉल्ट रखना है डिफॉल्ट रहने दो। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टार्ट वायरलेस मिररिंग पे जैसे क्लिक करोगे आपके फोन की वायरलेस मिररिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम में, नो डिले नथिंग, ओ ये बेबी, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिररिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं गेम भी ओपन करूंगा ना तो अपने आप विंडो जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो विंडो जो है वो चेंज होगी या नहीं, वो हो जाती है अपने आप, ठीक है। और यहाँ पे ऑडियो के साथ में मिररिंग हो रहा है, मैं आगे आपको बता ही दूंगा वो सारी चीज़ें प्रूफ करके, ठीक है। तो उसके बाद अभी के लिए मैं इस यहाँ पे गेम को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, मिनिमाइज़ कर देता हूँ गेम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वायरलेस मिररिंग भी एकदम प्रॉपरली काम कर रही है। तो फिलहाल मैं इस विंडो को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब अगर हम लोग नीचे के फीचर्स पे बात करें तो यहाँ पे मिरर योर फोन कैमरा का फीचर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो अपना यहाँ पे रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लो, 1080p में करना है कैमरा यूज़ की 1080p में करना है कि 720p में करना है, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ आज
ये बनाते बनाते इतना थक गया हूं ना कि वीडियो सही से नहीं बन रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 720p या 1080p सिलेक्ट कर लेना है। रिजोल्यूशन एस्पेक्ट रेशो 4:3 या 16:9, अगर नहीं पता तो दिखा देता हूँ। 4:3 पहले सिलेक्ट करता हूँ, 1080p रिजोल्यूशन सिलेक्ट करता हूँ। कैमरा कौन सा यूज करना है, फोन का फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, तो यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट मेथड, यहाँ पे वाया यूएसबी केबल आपको कैमरा को यूज करना है या फिर वाईफाई करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाईफाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वायरलेस मिररिंग हमारी इनेबल्ड है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ये फीचर को वायरलेसली यूज करना है तो भी आपको यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वायरलेस कनेक्शन वाला, इनेबल वायरलेस मिररिंग तक वाला जो प्रोसेस है ये आपको करना है। वायरलेस मिररिंग को इनेबल करने के बाद ही आप इसको यहाँ पे टिक करके स्टार्ट कैमरा मिररिंग पे क्लिक करोगे तभी ये कैमरा काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, वरना आप वाया यूएसबी केबल यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 720 सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सिलेक्टेड सही है। यहाँ पे स्टार्ट कैमरा मिररिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कैमरा मिररिंग जो है वो शुरू हो चुका है। ओहो, अभी बैक कैमरा सिलेक्ट किया क्या मैंने? मैंने बैक कैमरा सिलेक्ट किया शायद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फोन के बैक कैमरा से यहाँ पे मिररिंग जो है वो हो रहा है। वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे बैक कैमरा सिलेक्ट किया था ना, फ्रंट कैमरा सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट कैमरा मिररिंग। ओ ये बेबी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ्रंट कैमरा की भी मिररिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, अब नहीं लगाऊंगा ट्राइपॉड पे, हो गया अभी बता दिया जो बताना था, अब क्या ट्राइपॉड पे लगाओ। अब बस इसको आप ट्राइपॉड पे मस्त सेट कर दो, एक नंबर यूज करो। ये चमक 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 पंखे की वजह, फैन की वजह से और रिफ्रेश रेट की वजह से ऐसा दिख रहा है वो। वैसे बैक कैमरे में ऐसा नहीं दिख रहा था। अब 1080p करता हूँ, 16:9 करता हूँ और यहाँ पे वाईफाई करता हूँ और स्टार्ट कैमरा मिररिंग पे। लेट्स गो, अब देखो। ठीक है, 1080p में अलग ही मजा है वीडियो। अबे मैं इसमें देख के कई बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब इसको OBS में कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें कैसे करना है वो अब मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। चलो पहले ये यहाँ पे कट करते हैं। तो अब मैंने अपने फोन को यहाँ पे सामने सेट कर दिया अपने इस वेबकैम को, जिस वेबकैम में देख के अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके जस्ट ऊपर मैंने अपने फोन को भी सेट कर दिया एक ट्राइपॉड पे। और अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे OBS स्टूडियो में ऐड करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ वो जो इन गेम माइक ऑन करने वाला जो इशू है उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ये जो यहाँ पे मिरर योर फोन कैमरा वाला जो ये फीचर है, इसको यहाँ पे नीचे आप पढ़ लेना, दिस फंक्शनलिटी इज सपोर्टेड ओनली ऑन एंड्रॉइड 12 एंड लेटर वर्जन। तो अगर आपका जो फोन है जिसको आप एज अ फेस कैम यूज करने का सोच रहे हो, अगर उसमें एंड्रॉइड 12 के नीचे वाला एंड्रॉइड वर्जन है तो ये काम नहीं करेगा। नीचे वाला जो ये वाला जो फीचर है ना मिरर योर फोन कैमरा वाला, ये वाला फीचर काम नहीं करेगा, मिररिंग फिर भी काम करेगी। ठीक है, तो ये फीचर एंड्रॉइड 12 वर्जन रहना चाहिए या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए आपके फोन का, तभी ये वाला फीचर जो है वो काम करेगा, ये ध्यान रखना। उसके नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने लिख के बताया है, इफ यू वांट टू मिरर एंड लाइव स्ट्रीम गेम्स लाइक BGMI, फ्री फायर, COD मोबाइल विदाउट एनी ऑडियो और वॉइस चैट प्रॉब्लम, देन यू शुड सेटअप ऑडियो विद द हेल्प ऑफ ऑक्स केबल। तो आपको ऑक्स केबल की मदद से अपने ऑडियो को सेटअप करना पड़ेगा अगर आपका इन गेम माइक वाला जो प्रॉब्लम होता है वो, तो आपको चाहिए ऐसा ऑक्स केबल अपने ऑडियो को सेटअप करने के लिए। और आपको यही ऐसा ही ऑक्स केबल चाहिए जिसमें दो रिंग होती है। यहाँ पे देखो दो रिंग है, ऐसे बताऊँ शायद दिख रहा होगा, देखो यार। ठीक है, यहाँ पे दो रिंग रहती है, इसका भी वैसे मैं लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो आप यहाँ वहाँ से जाके अमेजोन पे से परचेस कर सकते हो ऐसे ऑक्स केबल को। इसकी मदद से आपको कोई भी माइक का जो इश्यू है वो नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, एल्गाटो के साथ में भी माइक का प्रॉब्लम होता ही होता है। ठीक है, तो भी आपको ऑक्स केबल जैसा चीज़ लगेगा ही, तो इतना ध्यान रखो। अगर आप एंड्रॉइड से लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो और आपको माइक इन गेम माइक वाला इशू नहीं चाहिए तो आपको ऑक्स केबल चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऑक्स केबल है हमारे पास, ओके। तो अब यहाँ पे नीचे आप चाहो तो ऑक्स केबल को कैसे सेटअप करना है आपके पीसी में कनेक्ट करके ऑक्स केबल थ्रू ऑडियो वाला सेटअप, वॉच वीडियो पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे एक वीडियो चालू हो जाएगी, यहाँ पे मेरी पुरानी वीडियो, और वो वीडियो बीच में से शुरू होगी यहाँ पे 576 के आसपास से। तो यहाँ से मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो, बस आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे सेटअप करना है ऑक्स केबल को। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ से। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इस विंडो को मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने इस चीज़ पे। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझ लो स्टार्ट कैमरा मिररिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्टार्ट कैमरा मिररिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा कैमरा मिररिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, हो गया। तो यहाँ पे हमारा कैमरा मिररिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मेरा फोन यहाँ पे सामने सेट है। अब समझ लो यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा हमारे
गेम प्ले मिररिंग के लिए भी। अब मैं यहाँ पे अपना OBS स्टूडियो भी ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसी भी सीन में, आप यहाँ पे प्लस सोर्सेज पे एक नया सोर्स ऐड करोगे, यहाँ पे आपको विंडो कैप्चर ऐड करना है क्योंकि वो विंडो है जिसको हमको कैप्चर करना है। यहाँ पे विंडो कैप्चर ऐड करना है, इसको जो भी नाम देना चाहते हो आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। विंडो कैप्चर जैसे आप ऐड कर लोगे, यहाँ पे विंडो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी विंडो आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है। हमारे फोन का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा फोन जो कनेक्टेड है उसका नाम Asus ROG है, तो यहाँ पे Asus दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस कैम का जो विंडो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने का, इसको ओके कर देता हूँ, ये विंडो आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करके, इसके साइज वगैरह को एडजस्ट करके एज अ फेस कैम सेट कर सकता हूँ अपने OBS स्टूडियो में, जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे रख सकता हूँ। तो बड़ा छोटा कर सकता हूँ, गेम प्ले सीन में रखना है ऐसा गेम प्ले सीन में रख सकता हूँ, जो कुछ करना है उसको मैं कर सकता हूँ। जैसे क्रॉप वगैरह करना है तो अल्ट की को प्रेस करके कीबोर्ड में इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, ताकि जितना यूज़फुल है उतना ही मैं रखूँ। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लूँगा ऐसे, और यहाँ पे हमारा छोटा सा फेस कैम हो जाएगा, इसको मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे रख सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मस्त रियल टाइम में हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बार ना मिररिंग ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट वायरलेस मिररिंग पे क्लिक करता हूँ और अपनी फोन की मिररिंग शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपने माउस और कीबोर्ड से अपने फोन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने माउस से ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मुझे पिन पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना पिन डाल देता हूँ, पासवर्ड अपने मोबाइल फोन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मिररिंग ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने फोन अपने पीसी के कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल्स में जाता हूँ मैं अपने फोन के, यहाँ पे फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में अगर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डाउनलोड्स में ये फाइल्स है, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पे एक कोई फाइल है जिसको मुझे अपने इसमें ट्रांसफर करना है अपने फोन में, अपने पीसी से अपने मोबाइल फोन में। अब जैसे मेरे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो ये एक PNG फाइल है यहाँ पे मेरे लोगों की, इसको मुझे डालना है। तो यहाँ पे बस इसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा, बस इतना काम कर दिया, ये फाइल हमारे फोन में ट्रांसफर हो चुकी है। कैसे, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रही है, तो एक काम करेंगे हम एक बार यहाँ पे बैक करेंगे, उसके बाद फिर से फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी PNG जो है वो आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने पीसी से अपने फ़ोन में। और अगर आपने यहाँ पे जैसे अपने फ़ोन में कुछ लिख दिया है, जैसे हेलो चिंटू, ठीक है, हेलो चिंटू यहाँ पे आपने लिख दिया और आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है अपने पीसी में, तो आप यहाँ पे बस ऐसे अपने फ़ोन में जैसे कॉपी करते हो वैसे यहाँ पे कॉपी करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपने पीसी में आओगे, नोटपैड वगैरह ओपन करोगे। यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप कंट्रोल वी मतलब ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे हेलो चिंटू जो है वो पेस्ट कर सकते हो आप लोग, है ना, ये देखो। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और ये यहाँ से कॉपी करके फ़ोन में भी पेस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया और बिल्कुल सिक्वेंशियल मैनर में नहीं बताया है, तो थोड़ी भसड़ मच गई इस वीडियो में, बट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आएगा, ये यूज़र इंटरफेस आपको पसंद आएगा और यूज़फुल लगेगा। अगर यूज़फुल लगेगा तो यार वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बहुत ही अगर आप इसको यूज़ करोगे तो। यहाँ पे नीचे मैंने सपोर्ट द प्रोजेक्ट डोनेट नाउ का भी ऑप्शन इसमें भी ऐड किया है, बहुत गरीब हूँ मैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, पेइंग एक्सपोजर, इस गरीब को जितना भी डोनेट आप करना चाहो उतना यहाँ पे लिख सकते हो, 1204 रुपये नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे 50 रुपये भी कर दो। बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत ही गरीब हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप पे नाउ पे क्लिक करके आप चाहो UPI, क्रेडिट कार्ड, EMI, जिससे पेमेंट करना चाहो उससे पेमेंट करके यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हो। ओहो, क्या ही गरीबी। तो चलो बस बहुत ज़्यादा बड़बड़ हो गई, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।